हाँ तो भाई देखो, मार्वल फिर से अपनी एवेंजर्स को 2025 में अपनी फैंस के सामने लेकर आने वाला है। देखो इस बार जो एवेंजर्स है थोड़ी सी बदल चुकी है, जो पहले की एवेंजर्स थी वो काफी अलग थी, इस बार की जो एवेंजर्स है वो काफी अलग है। देखो आपको याद होगा कि मार्वल की एवेंजर्स एंडगेम जो 2019 में रिलीज हुई थी, उसके बाद सबको ऐसे लगने लगा था कि मानो मार्वल के जो टीम था, मार्वल का जो प्रोडक्शन था, उसका मतलब एक एंड ही हो गया हो। क्योंकि देखो एंड गेम में आयरन मैन को मार दिया, जो अपने कैप्टन अमेरिका थे उनको मतलब बूढ़ा बना दिया, अपना जो थॉर था उससे मोटू बना दिया, और हल्क को तो मतलब एक अलग ही टाइप की मतलब बिल्कुल मतलब सब उसमें मिक्स कर दिया था। मतलब कुल मिला के मार्वल के जो मेन लीड कैरेक्टर थे उन सबको मार्वल ने एंड कर दिया था। मार्वल के पूरे फैंस को से लगने लगे था कि मतलब मार्वल अब आगे क्या करने वाला है, वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन देखो हम जो फैंस लोग हैं वो सोचते हैं कि मार्वल इस साल में कौन सी बड़ी मूवी लॉन्च करने वाला है। भाई तो मार्वल सोचता है कि वो आने वाले अगले 10 सालों के बाद कौन सी अपकमिंग मूवी को मार्केट में लॉन्च करेगा। भाई यही फर्क है हमें और मार्वल में। देखो मार्वल का जो माइंड है वो काफ़ी अलग है, मार्वल बहुत आगे की सोचता है। एंड गेम की एंडिंग के बाद मार्वल ने कई नए नए कैरेक्टर्स को मार्केट में लॉन्च किया। वो सब कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर, जितनी सीरीज है, जितनी भी फिल्म आ रही है, वो सब आगे चल के बहुत ही बड़े लेवल की फिल्म को बनाने वाले हैं। इसी को लेकर भाई मार्वल ने थंडरबोल्ट नाम की एक टीम को लॉन्च किया है, जो कि लगभग लगभग एवेंजर्स की जैसी है, जो कि अभी मई 2025 में रिलीज होने वाली है। थंडरबोल्ट एवेंजर्स से काफ़ी मिलती जुलती है। तो भाई थंडरबोल्ट जो मूवी आने वाली है उसका पूरी स्टोरी मैं जस्ट 2 मिनट में आपके सामने रिवील्स करने वाला हूँ। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अनटोल्ड सीरीज, जहाँ पर हम करते हैं मूवी रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू, और हम मूवी में बताएगी कुछ ऐसे मिस्टेक जिनके बारे में खुद इनके मेकर्स को पता नहीं होती, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब भाई मार्वल को साइड में रखकर हम थंडरबोल्ट मूवी के ट्रेलर पर बात करने वाले हैं। देखो ट्रेलर की जो स्टोरी है, जो ग्राफिक, वो तो भाई एकदम सुपर है। जब मार्वल की मूवीज है तो भाई स्टोरी लाइन तो कड़क होगी, और ये स्टोरी तो भाई सेम एवेंजर्स की जैसी ही होने वाली है। देखो ये जो फिल्म है, इस फिल्म को 2 फिल्मों के बीच में उतारा जा रहा है। 2025 में मई 2025 में थंडरबोल्ट रिलीज होने वाली है, उससे पहले फरवरी 2025 में कैप्टन अमेरिका की न्यू बैटल लैंड जो है वो रिलीज होने वाली है, और फिर जुलाई में वापस फैंटास्टिक फोर रिलीज होने वाले। तो इन दोनों मूवीज के बीच में इस मूवीज को रिलीज किया जाने वाला है। तो भाई इस मूवीज का जो कनेक्शन है वो दोनों मूवीज से तो है ही, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फिल्म की कास्टिंग के बारे में। तो भाई इसकी जो कास्टिंग है वो एवेंजर्स की जैसी ही है, जैसे एवेंजर्स की जो लीड्स थी वैसी सेम इस मूवी में भी लीड्स है। देखो कि मैं आपको बता दूं कि जो अपने एवेंजर्स थे उसमें जो कैप्टन अमेरिका था, तो उसी तरह इस फिल्म में भी यूएस एजेंट के नाम से बनता है, जो सेम कैप्टन अमेरिका के जैसे ही, इनफैक्ट ये कैप्टन अमेरिका के जैसे ही था। शील्ड ने इसे अपनी टीम में लिया, इसीलिए कैप्टन अमेरिका को चूज किया, क्योंकि कैप्टन अमेरिका स्वभाव से बहुत अच्छा था और यूएस एजेंट है वो मतलब गुस्से वाला इंसान है, तो शील्ड ने इसे दूर रखा था। लेकिन अब मार्वल इसे वापस अंदर ले रहा है, तो हो सकता है कैप्टन अमेरिका की जगह ले सकता है। सेकंड कैरेक्टर है ब्लैक विडो की बहन येलेना। येलेना ब्लैक विडो की सगी बहन है। ब्लैक विडो शील्ड के लिए काम करती है और येलेना जो है वो जनरल ड्रैगन के लिए काम करती है। और थर्ड कैरेक्टर है ब्लैक विडो और येलेना के पिता जो है रेड गार्डियंस एलेक्सी। थर्ड कैरेक्टर ये है, जो इसी की हम ब्लैक विडो जो मूवी है उसको हम देख चुके हैं। तो भाई ये इस मूवी का भी थर्ड कैरेक्टर है। फोर्थ कैरेक्टर में आता है एक गोस्ट, जो कि इनविजिबल है, एक एलियन की तरह है, जो कि एक एलियन है जो कि इधर से उधर इधर भी जा सकता है, मतलब अपने शरीर में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। इसके जो पांचवा कैरेक्टर है वो अपना मेन कैरेक्टर है बकी, जो कि बहुत ही भाई जबरदस्त है। बकी के बारे में कौन नहीं जानता, बकी कैप्टन अमेरिका का खास फ्रेंड है और कैप्टन अमेरिका बकी के लिए कुछ भी कर सकते थे। भाई बकी बहुत टाइम के बाद वापस मार्वल में आ रहा है, तो भाई ये तो धमाकेदार होने वाली है। भाई जब थंडरबोल्ट की जो पूरी टीम है वो एक सुपर विलन की टीम है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट मिशन के लिए काम करने जा रहे हैं। तो भाई जो टीम गवर्नमेंट मिशन के लिए काम करती है वो आगे जाके एक सुपर हीरो की टीम बनी जाती है, और 50-50 चांस ये भी है कि यही टीम आगे जा करके मार्वल की नई एवेंजर्स की टीम भी बन सकती है। अगर इसको लेकर आपके क्या क्या कमेंट्स है बस कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।